नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। अब से थोड़ी ही देर में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में तेजस्वी यादव की तरफ से की जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। बात अगर हम करें तो केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई योजना अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर जो नारेबाजी है वो की जा रही है, लेकिन तस्वीरें जो बिहार से सामने आई है वो काफी ज्यादा भयावह है। बिहार के हर एक जिले में जो आगजनी है वो की जा रही है। छात्रों की तरफ से तांडव मचाया गया है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जो उपद्रव है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ कई ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, और साथ ही इन छात्रों का साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द ये केंद्र सरकार अपनी इस योजना को वापस ले, नहीं तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। ऐसे में छात्रों के समर्थन में आरजेडी जो है वो सामने आई है। आरजेडी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए, खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि वो हर कदम पर छात्रों के साथ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना ही होगा। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था केंद्र सरकार को, जिसके बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में तेजस्वी यादव की तरफ से बुलाई गई है। ऐसे में अब से थोड़ी ही देर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होने वाली है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव कहते हैं, अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर किस तरह से हमले किए जाते हैं, ये तमाम चीजें, ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बात करें तो इस वक्त बिहार में जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। साथ ही कई ट्रेनों को अब तक आग के हवाले कर दिया गया है, जिसकी वजह से रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को रद्द भी कर दिया। लेकिन इस बीच छात्रों को अब तक सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया है। हालांकि बिहार बंद के दिन भी, यानी कि बीते दिन भी, हमने बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखी, जहां पर नारेबाजी की जा रही थी, तोड़फोड़ किए जा रहे थे, पथराव किए जा रहे थे, लेकिन इस पर कोई कदम अब तक सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है, ना ही छात्रों तक संदेश भिजवाया गया। और यही वजह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव करने वाले हैं ये बेहद खास होने वाला है। ऐसे में दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमला जब करेंगे या अग्निपथ योजना को लेकर अपनी बातें सामने रखेंगे, वो तमाम खबरें, वो तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।